वेलकम टू माइंड मेंटर। आज हम बात करेंगे अभी एक दो दिन के रिसेंटली करंट अफेयर की। वैसे डेली करंट अफेयर की वीडियो कंटिन्यू होगी ये दोबारा से, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या हुए। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये क्या है। जैसे कि COVID-19 से बचने के लिए, देश को उभारने के लिए हमारी मोदी जी ने जो क्या किया था, एक आह्वान किया था पूरे देश के लिए कि 21 डेज के लिए आप लोग घर में ही रहें ताकि ये वायरस ना फैले। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि डेली हर जगह जो बात हो रही है COVID-19 की बात हो रही है। COVID-19 क्यों है पहले मैं ये बता दूं। COVID-19 क्यों है, इसका नाम क्यों है, कोविड मतलब क्या है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि 19 के दिसंबर में प्रॉपर वेरीफाई हो गया था ये वायरस। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या गया, 21 डेज के लिए रखा गया कि आप सब अपने घर में रहें, पब्लिक गैदरिंग ना हो, आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें ताकि अगर आप एक दूसरे से मिलेंगे तो ये फैलता है, तो उसको रोकने के लिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो गरीब इंसान है, जो मजदूर है, जो डेली वेजेस पर काम करते, आज मजदूरी मिली तो घर पर खाना लेके गए, उनके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी, उसको उससे बचाने के लिए उनको, ताकि कोई भी इंसान खाने के लिए परेशान ना हो। ठीक है, उन गरीबों के लिए। अब पहले आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपके आसपास कोई ऐसा गरीब है जिसके पास खाना नहीं है, कुछ ऐसा है, क्योंकि घर से बाहर नहीं जा सकते, सैलरी मिलेगी नहीं, अभी कोई मजदूरी दिहाड़ी वाले इंसान नहीं जा सकते कहीं पे, तो कोशिश कीजिएगा आपके आसपास अगर एक भी इंसान है आप उसको खाना प्रोवाइड करा दें। दुनिया नहीं, वो ऊपर वाला देखेगा, बेनिफिट से रहेगा सबके लिए, ताकि नहीं होना चाहिए कि हम लोग रहते हुए कोई भी इंसान अगर भूखा रह रहा है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग ए सोशल पर्सन। ठीक है, सबको ऐसा करना चाहिए। तो इसी के लिए मोदी जी ने क्या किया, एक नई योजना स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें क्या गया, इसमें 1.7 लाख करोड़ इसका बजट है, 1.7 लाख करोड़। इसमें क्या क्या किया गया, देखो इसमें पहले तो ये किया गया, जितने भी गरीब के इंसान है, बीपीएल वाले या जो भी जिनको लगता है कि इनको जरूरत है, उन सबको 3-3 महीने के लिए प्रॉपर राशन, मतलब खाने पीने गेहूं चावल वगैरह, इसमें 5-5 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पूरे महीने का राशन उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। इस योजना का बजट कितना रखा गया, 1.7 लाख करोड़, जो कि टोटल जीडीपी का 1% है हमारे इंडिया की। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या रखा गया इसमें, बोला गया 50 लाख का इंश्योरेंस रखा गया है। इंश्योरेंस किसके लिए, जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो फिलहाल पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ जो फिलहाल हॉस्पिटल में लगा हुआ है COVID-19 के पेशेंट के साथ डील कर रहा है, ताकि क्योंकि कुछ डॉक्टर ऐसे जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कुछ एक्सपायर भी हुए हैं लोगों को बचाते हुए, तो ताकि उनकी फैमिली सिक्योर रहे, एटलीस्ट ज़्यादा तो नहीं कर सकते इतना, 50 लाख कुछ तो हेल्प करेगा उनको। ठीक है, उनका 50 लाख का इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने हमने उससे किया है। उसके बाद पता क्या किया है, जो पेंशन है, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, जितनी भी पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती उन सब में 1000 रुपीज ऐड किए हैं। क्या क्या है? इन तीन, ये जो योजना है सिर्फ 3 महीने के लिए आने वाले, इनमें क्या क्या 1000 रुपये ऐड किए गए उनकी योजना में। प्लस जो वुमेन है, जो जनधन योजना के खाते खोले थे ना, जितने उसमें वुमेन वाले हैं उनको 500 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में आएंगे, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। कितने रुपए आएंगे, 500 रुपये इस योजना के तहत, जितने भी जनधन योजना के खाते थे सभी महिलाओं वाले। ठीक है, उसके बाद और क्या किया इसमें, जितनी उज्ज्वला योजना याद है कौन सी है, याद होना चाहिए, मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, उज्ज्वला योजना थी जो गैस सिलेंडर मिले थे 2 करोड़ कुछ महिलाओं को, गैस सिलेंडर में था एलपीजी गैस, तो उनके लिए क्या क्या, 3 महीने तक उनको गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा, गैस सिलेंडर, जो एलपीजी का सिलेंडर है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, एलपीजी क्या मिलेगा, फ्री, किसमें, उज्ज्वला योजना में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद इन्होंने एक काम और किया है, जो मनरेगा के मजदूर थे उनकी दिहाड़ी कितनी होती थी, एक दिन की मजदूरी 182 रुपीज, अब उसको क्या किया, 202 रुपये किया है। ठीक है, कितना कर दिया, 182 से 202 रुपये कर दिया है, यहाँ तक क्लियर है। और इसमें क्या किया, इसमें सरकार ने एक काम और किया है, EPF सुना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता था, इसमें ऐसा होता था जिस कंपनी में 100 से ज़्यादा वर्कर हैं वो अपने वर्कर्स का सभी का एक अकाउंट बनाते थे, PPF अकाउंट, EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसमें क्या होता था, कुछ
जैसे हम सपोज 12% उनकी सैलरी का रखा गया है सपोज, तो उसमें आधा तो जो मजदूर था, जो इम्प्लॉय था, इम्प्लॉय का पैसा जाता था सैलरी में से कट के, आधा गवर्नमेंट देती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि इस टाइम पे जो क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, तो हम एक काम करेंगे, जो आपका हिस्सा है तो वो भी गवर्नमेंट अपने आप देगी। इज दैट क्लियर? कि गवर्नमेंट जो आपका इसमें सपोज मान लिया 10-12% था, मान लिया 6%, सपोज ये आगे नहीं बता रहा हूँ मैं, 6% अगर गवर्नमेंट दे रही है, 6% इम्प्लॉय दे रहा है, उसने बोला कोई बात नहीं ये भी हम आपका, हम गवर्नमेंट ही देगी। समझ आ रहा है? तो कितनी बेनिफिशियल है, कितना कुछ कंट्री कर रही है फिलहाल अपने देश के वासियों के लिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है इस वायरस को फैलने ना दें, बचें। और जरूरी नहीं है सारा काम पुलिस ही करेगी आपके आसपास आके, हर बार पुलिस डंडा उठा के ना घूमे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली के रिगार्डिंग, उन्हें भी अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है। तो सबसे अच्छा रहेगा आप अपने आसपास खुद जिम्मेदारी समझें, अपने अड़ोस पड़ोस में जो नहीं कर रहे हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास कराएं, उन्हें बताएं ये डिसीज़ इतनी सिंपल नहीं है, मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस इसे होने वाला है। आज अगर आज की बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा, आज 28 मार्च है, आज सुबह के आंकड़े की बात करें 6 लाख से ज़्यादा लोग फिलहाल इस डिजीज वायरस से इन्फेक्टेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और इंडिया में 890 के आसपास, 890 मतलब 900 पहुंच के आंकड़ा, और मरने वाले 19 हो चुके। और ये 19 जो डेथ हुई है ना, ये वो हैं जो आइसोलेटेड रखे गए थे, जिनकी खबर मिली है, जो वेरीफाइड थे कि इस वायरस से मरे, क्या पता कितने मरे होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी फैसिलिटी नहीं है फिलहाल चेक करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी घर से बाहर ना निकले, ठीक है? अपने पड़ोसियों को भी समझाएं, अपने दोस्तों को बोलें, मिलने के लिए बोल रहे हैं कि भाई नहीं मिल रहा हूँ, जिंदगी रही बाद में मिलेंगे, ठीक है गाइस? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।